डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। पहला टॉपिक जो मैंने बोर्ड के एतबार से चूज़ किया, दैट इज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बेकरल ने फर्स्ट डिस्कवर किया था नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को 1896 में। उसके पास यूरेनियम का टुकड़ा था और उसने उसे रैप अप करके फोटोग्राफिक प्लेट में अपने ड्रॉ के अंदर दराज के अंदर रख दिया था। कुछ दिन के बाद उसने उसे ऑब्जर्व किया कि उसके ऊपर प्रिंट आया हुआ था, उसके ऊपर एक निशान सा जाहिर हुआ। फिर वहां से मजीद आगे दरियाफ्त होना शुरू हुए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और इसमें बाद में थ्योरियम, प्लूटोनियम एंड रेडियम भी दरियाफ्त हुए। लेकिन पहला एक्सपेरिमेंट जो कुदरती एक्सपेरिमेंट था वो यूरेनियम पर ही हुआ था। तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती क्या है? एलिमेंट्स विद चार्ज नंबर ग्रेटर देन 82, वो एलिमेंट्स जिनका चार्ज नंबर 82 से ज्यादा होता है उनमें से एनर्जी रेज खारिज होती हैं। ये एनर्जी रेज किस शक्ल में होती हैं? इनको हम अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गैमा रेज कहते हैं। अल्फा, बीटा, गैमा रेज जो है दरअसल एनर्जी की टाइप्स है, एनर्जी वेव्स है। नेक्स्ट मैंने सब टॉपिक में लिखा है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है रेडियो एलिमेंट्स हुज नंबर आर सेम बट मास नंबर आर डिफरेंट। जब उनका मास नंबर डिफरेंट हो तो हम उन्हें उसी ही एलिमेंट के आइसोटोप्स कहते हैं। इन आइसोटोप्स की दरियाफ्त के बाद रदरफोर्ड वाज द साइंटिस्ट जिसने मजीद एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और उसने अल्फा, बीटा एंड गैमा रेज की प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट किया। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा, गैमा रेज। अल्फा रेज क्या है? अल्फा रेज रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एमिट होती हैं, खारिज होती हैं। इनकी स्पीड 1.4 × 10⁻⁷ से लेकर 1.7 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड तक होती है। अल्फा रेज गैस में से अगर गुजारी जाए तो वो उसे आयोनाइज कर देती हैं, उसमें चार्ज पैदा कर देती हैं। ये फ्लोरिसेंस चमक पैदा करती हैं। अगर जिंक सल्फेट में से इसे गुजारा जाए तो जिंक सल्फेट में ये फ्लोरिसेंस चमक पैदा कर देती हैं। नंबर फोर मैंने लिखा है, दैट इज रेंज। यूरेनियम से खारिज होने वाली अल्फा रेज जो है वो 2.7 मीटर तक ट्रेवल कर सकती हैं, और थोरियम से निकलने वाली अल्फा रेज जो है वो 8.62 सेंटीमीटर तक का फासला तय कर सकती है। पॉइंट नंबर फाइव है, अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पर मुश्तमिल होती हैं। ये चार्ज, ये इसका साइज कितना होता है? हाइड्रोजन के 4 टाइम्स होता है, या दूसरे लफ्जों में हाइड्रोजन के साइज के डबल होता है। नंबर सिक्स पॉइंट मैंने लिखा है, अल्फा रेज आर इनफैक्ट न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम। ये हीलियम के मरकजे के साइज के होते हैं। नेक्स्ट है बीटा रेज। बीटा रेज की स्पीड जो है वो 1% से लेके 99% तक लाइट की स्पीड के बराबर होती है, एज कंपेयर टू द लाइट। बीटा रेज जो है वो हवा में आयोनाइजेशन पैदा करती है, चार्ज पैदा करती है। कितना? ये अल्फा रेज के मुकाबले में 1/100 टाइम्स है, बहुत कम है। यानी अगर अल्फा रेज ने 100 चार्ज प्रोड्यूस किया है एयर में तो बीटा रेज 1/100 1% होगा उसका। नंबर थ्री राइट साइड मैंने टॉप पर लिखा है मास ऑफ द बीटा। बीटा रेज का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास के तकरीबन बराबर होता है। बीटा रेज बेरियम प्लैटिनम साइनाइड में से अगर गुजारा जाए, के कंपाउंड में से गुजारा जाए तो फ्लोरिसेंस चमक पैदा करती है, उस चीज के अंदर चमक पैदा हो जाती है। ये 1 सेंटीमीटर थिक एल्यूमिनियम प्लेट में से गुजर सकती हैं। इनकी पावर कितनी है? 1 सेंटीमीटर थिक मोटी प्लेट में से, एल्यूमिनियम की प्लेट में से ये पास ऑन हो सकती हैं। नंबर सिक्स मैंने लिखा है, ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इनको मुतासिर करती है, ये उन पर असरअंदाज होती हैं और वो इन्हें मुतासिर करती है। नंबर थर्ड है गैमा रेज। गैमा रेज तकरीबन लाइट की स्पीड से ही ट्रेवल करती हैं। ये गैस को आयनाइज कर देती हैं, गैस के अंदर चार्ज पैदा करती हैं।
लेकिन ये चार्ज बीटा रेस से बहुत कम हुआ करता है। पॉइंट नंबर 3 पर जा रहा हूं। ये फोटोग्राफिक प्लेट पर को असर अंदाज होती है। अब ये बीटा रेस के मुकाबले में उलट है, बहुत ज्यादा इनका असर होता है फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। नंबर 4 मैंने लिखा है, ये फ्लोरिसेंस, ये भी बेरियम प्लाटिनोसाइनाइड में से अगर इन्हें गुजारा जाएगा हमारे इसको, तो ये वहां पर भी चमक पैदा करती हैं। नंबर 5 है जो है इनकी पेनेट्रेटिंग पावर, किसी चीज में से दाखिल होकर होने की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा है। दैट इज 30 सेंटीमीटर थिक आयरन शीट में से ये पास हो सकती है। नंबर 6, इन्हें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन पर असर अंदाज नहीं होती। नंबर 7 मैंने लिखा, ये दरअसल गैमा रेज दरअसल न्यूक्लियस में से खारिज होने वाली रेस को हम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हाफ लाइफ प्लस एनर्जी इक्वेशन आपका होमवर्क है। बी प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम, डोंट वेस्ट योर टाइम, बी कॉन्फिडेंट। अल्लाह हाफिज़।